केलर्स थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव चोडेरा एवं कोडेरा में शनिवार को चाट बल्ला बेचने वाले से गांव में चाट बल्ला खा लिया। बल्ला खाने से करीब एक दर्जन से ज्यादा बच्चे महिला बीमार पड़ गए, जिनको परिजनों एवं ग्रामीणों की मदद से स्वास्थ्य केंद्र केलर्स में भर्ती कराया गया। परिजनों की जानकारी के अनुसार बता दें कि चोडेरा कोडेरा में चाट बल्ला बेचने वाला आया था, जिससे बच्चों व महिलाओं ने चाट बल्ला लेकर खाया लिया, लेकिन जिसे खाकर सभी बीमार पड़ गए, जिनको स्वास्थ्य केंद्र कैलाश में भर्ती कराया है। वहीं डॉक्टर एस शर्मा ने बताया कि चाट खाने से लोग बीमार हो गए हैं, जिनका डॉक्टर एस आर मिश्रा, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर मनीष शर्मा सहित नर्सिंग स्टाफ की टीम द्वारा इलाज किया गया। सभी बच्चों महिलाओं में लक्षण एक जैसे ही हैं। बच्चों ने पेट में दर्द, उल्टी, दस्त और चक्कर आने की शिकायत की है, उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं जानकारी मिलते ही तहसीलदार भरत कुमार भी मौके पर पहुंचे और बीमार लोगों से पूछताछ की। वहीं जिला प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया। रवीना कुशवाहा को जिला चिकित्सालय मुरैना रेफर किया है। वहीं तहसीलदार भरत कुमार डॉक्टर एस आर मिश्रा ने कहा कि मामला फूड पॉइजनिंग का प्रतीत होता है, जांच के लिए सैंपल लिए हैं, इलाज जारी है। आवश्यकता पड़ती गाँव में ही स्वास्थ्य विभाग एवं फूड विभाग की टीम भेजी जाएगी और सैंपल लिए जाएंगे। वहीं एडीएम नौतम भार्गव, सीएमएचओ डॉक्टर राकेश शर्मा ने फोन कर बीमार बच्चों का हालचाल लिया, साथ ही बेहतर उपचार को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। खबर हर पल के लिए पंटी चौधरी की खबर। क्या नाम है आपका? नीतू। कौन सा गाँव है? कोडेरा। अभी अब बच्चों को लेकर आई हूँ केलारस हॉस्पिटल, क्या मामला हुआ था? बेचने वाला बल्ला आया था, बच्चे रो रहे थे इसलिए खा लिया, उससे बीमार हो गए, उल्टी करने लगी। कौन आया था? बल्ला बेचने वाला आया था। केलारस हॉस्पिटल ले गए? हाँ, केलारस हॉस्पिटल लेने के आए थे। अभी कुछ महिलाएं और बच्चे आए हुए हैं, क्या मामला हुआ है पूरा? सही है, आज चौड़ेरा गांव से कुछ बच्चे और महिलाएं आई हुई हैं, उल्टी और दस्त की शिकायत है, सभी का इलाज चल रहा है यहाँ पर और उनके सैंपल ले लिए हैं, उल्टी के सुबह जाँच के लिए लैब कन्फर्म ले जाएंगे। अभी स्थिति क्या है सर इनकी? सभी की सामान्य स्थिति है, ऐसी कोई परेशानी नहीं।